जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे लीगल नोटिस कैसे भेजें। चाहे लीगल नोटिस क्या होता है कि इसके बारे में बात करेंगे। पहले कौन कौन से केसेस में लीगल नोटिस भेजा जाता है, किन केसों में कितना टाइमिंग लीगल नोटिस का होता है, रिप्लाई देने का कितना नहीं होता है, पूरा प्रोसेसिंग आज के वीडियो में जानेंगे। पति पत्नी एक दूसरे को साथ नहीं रख रहे तो पहले ये साबित कैसे करें, ये कारण कैसे पूछे कि आप साथ रहना चाहते हो नहीं चाहते हो। काफ़ी केसेज में होता है, आप लोग कहते हो कि पत्नी मेरी 2 साल से दूर है, पति मेरा 2 साल से नहीं रख रहा, तो वह टाइमिंग ड्यूरेशन आप कैसे साबित कर सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक लीगल नोटिस के थ्रू ही आप ये सब चीज़ें साबित कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थर्ड पॉइंट दोस्तों, कमेंट में कभी भी नंबर ना छोड़े, क्योंकि कमेंट में अगर आप नंबर छोड़ते हो तो आपके साथ कोई भी फ्रॉडिंग हो सकती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी, हंस लीगल हेल्प लाइन की किसी भी टाइप की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, एक लीगल नोटिस होता है, जो कोई नोटिस भेजते हैं अपन किसी के कारण पूछने के लिए, रीज़न पूछने के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पति और पत्नी दूर रह रहे हैं काफ़ी टाइमिंग से, अब मान लीजिए ऐसा संभावना हो रहा है कि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे पे केस करने वाला है। मैं कमांड में वीडियो बना रहा हूँ दोनों के लिए, ठीक है। अब उस सिचुएशन में आप उसकी जो टाइमिंग ड्यूरेशन होती, कभी आप लोग कोर्ट में ग्राउंड बनाते हो, भाई आपको 1 साल 2 साल दूर हो गए, लेकिन आपके पास प्रॉपरली ग्राउंड ही नहीं होते। लड़के तो कह तो देते हैं आप लोग, भैया आरोप पुलिस तक थाने तक होते हैं, भाई पुलिस थाना जो चलता है आरोपी से चलता है, आरोपी से FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन जो कोर्ट होता है वो सबूतों से चलता है। अब आप इस चीज़ को कैसे साबित कर पाओगे कि लीगल नोटिस, भाई आपकी वाइफ 2 साल से 1 साल से दूर है या आपका पति आपको 2 साल से नहीं रख रहा, वो चीज़ आप कैसे साबित करोगे। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एक लीगल नोटिस, ठीक है। अब ये लीगल नोटिस 2 टाइप से भेजा जाता है, एक तो आप खुद भी भेज सकते हो, एक आपका वकील की जरूरी अभी भिजवा सकते हो, ठीक है। वकील के जरिए आप भेजना चाहते हो तो इस टाइप का फॉर्मेट रहता है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा। अगर आप खुद भेजना चाहते हो तो ये इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा, सेल्फ इस टाइप का रहेगा, और ऊपर पहले वकील वाले में एडवोकेट का नाम आएगा और उसके थ्रू जो भी डिटेल होगी वो अपने क्लाइंट के बारे में लिखाएगा, भाई मेरा क्लाइंट ये है और इसकी जो भी कंडीशन है, ठीक है। और आप सेल्फ लिखना चाहते हो तो आपका नीचे कोने में नाम आएगा और आपका और उसका जो जिसको भेजना चाह रही हो आप, आपकी वाइफ का, तो उसकी डिटेल आएगी पूरी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग होता है इसका, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट होता है। अब ये लीगल नोटिस में क्या भेजना होता है, क्या नहीं भेजना होता है, वो आपको मैं समझा देता हूँ आज, ठीक है। जैसे पति और पत्नी में से कोई भी नहीं रख रहा, सिमिलरली आप उसका अपोजिट कर लेना, दोनों के लिए रहेगा। मैं हस्बैंड और वाइफ के बता रहा हूँ कि पत्नी आपकी 2 साल से घर पे बैठी हुई है, माइन चांस 1 साल हो गया 2 साल हो गया, ठीक है। अब आप उसको लाना चाह रहे हैं लेकिन वो आना नहीं चाह रही, ठीक है, तो आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। काफ़ी सेक्शन 9 भी अगर आप करते हो तो उससे पहले लीगल नोटिस भेजते हो। मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप वकील के थ्रू ही करें, क्योंकि एक्सपायर्टी जो आप होता है उसमें जो आपका वकील ही होता है और उसको जो नॉलेज होती है, या किसी एक्सपायर्ट से आपको अगर अच्छी नॉलेज है लोग के बारे में, तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप भी लिख सकते हो उसमें। और अपने जो पॉइंट होते हैं, देखो लीगल नोटिस में आप एक खाली पेज लीजिए, उसमें जो जो प्रॉब्लम है, जो जो बात है, सब कुछ लिख दीजिए उसमें, भाई आप 1 साल से दूर हो, 2 साल से दूर हो, कोई कारण है नहीं, बिना कारण से आप लोग बैठे हुए हो, जो जो पॉइंटिंग है सब कुछ लिख देना, जो भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस पॉइंट को लेकर आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो सब कुछ लीगल नोटिस के थ्रू लिख लेना। उसमें हर पॉइंट लिखना चाहिए, उसमें टाइमिंग ड्यूरेशन हर चीज़, आपका क्या विवाद रहा है, कोई छोटा मोटा कोई विवाद रहा है, किस कारण से आपकी पत्नी आपसे दूर बैठी हुई है, क्यों नहीं आना चाह रही, उसका जवाब मांगे उससे, भाई किस कारण से आप नहीं आना चाह रही हो, क्या आपकी डिमांडें हैं, किस तरह की कोई डिमांड है क्या नहीं है, या फिर आप आना नहीं चाहोगे या डिवोर्स देना चाहोगी, उसमें पूरा प्रोसेसिंग लिखना पड़ेगा। XYZ जो आपकी स्टोरी है, मतलब जो आपका प्रॉब्लम है, वो पूरी उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको लिखने के बाद क्या होगा कि वो उसको भेजेंगे AD के थ्रू, मतलब स्पीड पोस्ट भेजते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन जो करते हो उसको, तो उसकी कॉपी आपको मिलेगी। AD लगा के उसमें भेजना जरूरी होता है, जिससे आपको पता पड़ जाता है भाई अगले को नोटिस रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब उसकी कॉपी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग होता है एक लीगल नोटिस का। अब इसमें आप पूरी डिक्लेयर लिख सकते हो, पूरी डिटेल में लिख सकते हो कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा प्रोसेसिंग बारे में, जो जो आपकी केस की मेंशन की गई है सब चीज़ें, उसमें पूरी एक तरह से इकट्ठा करके आप लिख सकते हो। तो ये लीगली नोटिस जो होता है, इसका पूरा प्रोसेसिंग इसी तरह होता है, और उसकी कॉपी होता है, उसका टाइमिंग ड्यूरेशन होता है सिविल केसेज में 15 दिन का टाइमिंग होता है, ठीक है। अभी 15 दिन के अंदर उनको जवाब देना नेसेसरी होता है, भाई आपको जवाब देना ही पड़ेगा उस लीगल नोटिस का। अगर लीगल नोटिस का जवाब नहीं देती और उसका जो भी नहीं होता, तो फिर आप उसमें लिख सकते हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, या तो
और सप्लाई करेंगे तो उसका एक ग्राउंड भी बन जाता है कि आपने एक लीगल नोटिस दे के भेजा हुआ आपकी वाइफ को, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आपकी वाइफ ने। तो इस वजह से मैं ये सजेशन करूँगा कि आपको हर किसी केस में लीगल नोटिस भेजना चाहिए, और चाहे वो सिविल केस हो गया, चाहे वो चेक का केस हो गया, चाहे वो मकान मालिक के कमरा खाली कराने केस हो गया, चाहे वो कोई भी सामान भेजने का केस हो गया, हर किसी केस में आपको एक लीगल नोटिस ज़रूर भेजना चाहिए। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका एग्जाम्पल के तौर पर आपका कोई लीगल यूट्यूब चैनल है, आप उस पर प्रोडक्ट बेच रहे हो, अपनी कंपनी के बारे में बताते हो और आपकी कोई बुराई कर रहा है, तो उसको एक वार्निंग दे सकते हो लीगल नोटिस देके कि तुझे कोई पता है नहीं इस चीज़ के मामले में, अगर तू अगली बार मेरे चैनल के बारे में कुछ भी बोला जाएगा तो उस पर आप लोग कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक लीगल नोटिस होता है, हर किसी केस में भेजा जाता है। पोस्टिंग आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट में छोड़ दीजिए। सेकंड बात दोस्तों, सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।